सोमवार 4 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गुजरात स्थित भैंसल लॉर्ड क्षेत्र के कुंतेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु भीड़ से बचने के लिए देर रात से ही पंक्ति में कतारबद्ध होकर दर्शन करते हुए दिखे। शिवरात्रि के पर्व पर महादेव के दर्शन के लिए महिलाओं और पुरुषों के अलावा नवयुवक भी काफी उत्साहित दिखे। दर्शनार्थियों ने महादेव को दूध बेलपत्र जल और पुष्प अर्पित करते हुए अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से आराधना किया। मंदिर का निर्माण 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। मंदिर के महंत एम कल्पेश गोस्वामी ने मंदिर की विशेषता बताते हुए कहा कि यहाँ पांडवों ने माता कुंती के साथ पूजा किया था। मंदिर में अर्धनारीश्वर 7-9 शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग तथा हनुमान जी के हाथ में गदा के स्थान पर खंजर देखने को मिला। इसकी पुष्टि करते हुए महंत ने बताया कि यह शिव भक्त हनुमान है, जिसके कारण उनके हाथ में गदा के स्थान पर खंजर है। इस अवसर पर रात के समय बाबा के महाप्रसाद के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। दमन से हमारे संवाददाता आनंद कुमार राय की रिपोर्ट। और स्वयं को है शिवलिंग है। अच्छा। और आप पूरा भारत में आप घूमो तो एक साथ 9 शिवलिंग का भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। यहाँ पांडवों ने खुद प्रसन्न किया है और 5000 साल पुराना है ये। कितने हजार वर्ष पुराना मंदिर? 5000 साल पुराना है। 5000 वर्ष पुराना ये वही जगह पे आई थी कुंती माता ने पहली पूजा की थी। कुंतेश्वर मंदिर कुंता गाँव। अच्छा अच्छा। और कवि कर्मज ने काव्य में बोला तो 5000 वर्ष पूर्व ये मंदिर है। उसके उपरांत 5000 वर्ष हो गए, उसके उपरांत ये इस मंदिर की जो उस भूतपूर्व जो स्थिति थी उसके अपेक्षा वर्तमान की जो स्थिति है उसमें कैसा परिवर्तन आया है? जैसा कि 5000 वर्ष काफी लंबा वर्ष होता है तो उसमें परिवर्तन की क्या दशा रही मंदिर के परिप्रेक्ष्य? उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा। जो भी मन की इच्छा होती है पूर्ण हो जाती है, उनका दर्शन करने से पूजा पूर्ण हो जाती है। अच्छा। जो भी श्रद्धा रखते हैं अपने आप पूजा हो जाती है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए वहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं। आप यहाँ कितने वर्षों से इस मंदिर की इस मंदिर में? 30 साल से। 30 वर्ष। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। महादेव मंदिर उनका एक गुजरात में आयोजित है। गुजरात में 4 तीर्थ है, उत्तर में अंबाजी, हिंदी उत्तर में अंबा माता का मंदिर है, पूर्व में महाकाली माता का मंदिर है, दक्षिण में कुंतेश्वर महादेव और पश्चिम में द्वारकाधीश सोमनाथ। ये गुजरात के 4 तीर्थ में कुंतेश्वर महादेव ये दक्षिण का गुजरात का तीर्थ है। अच्छा। यहाँ पांडव और कुंती माता ने पूजा की थी। एक साथ 9 शिवलिंग है, अर्धनारेश्वर है, स्वयंभू शिवलिंग है। पांडवों ने पूजा की थी कुंतेश्वर महादेव कुंता गांव, जैसा भीमा शंकर पुना में है ऐसा ही यहाँ स्वयंभू शिवलिंग 5000 साल पुराना है। चारे पास से दमण का बॉर्डर है। मंदिर गांव गुजरात में है। कुंती माता ने पूजा की थी कुंतेश्वर महादेव कुंता गांव। इस मंदिर में इतने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, क्या कारण है कि इतना सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है? पूरा भारत में घूमो, एक साथ 9 शिवलिंग। बाबा जी हाँ बाबा जी आप जैसा कि कह रहे थे यहाँ पे इस मंदिर में हनुमान जी के पास गदा की जगह खंजर है ऐसा क्यों? हनुमान जी तो गदाधारी हैं, गदा के भक्त हनुमान है। अच्छा। ऐसा बोला जाता है, उनकी पुष्प भी बहुत लंबी है और ये पांडवों का साल का हनुमान जी प्रसन्न हुआ है। अच्छा। यहाँ हर एक राम भक्त के हाथ में गदा होती है। अच्छा। यहाँ शिव भक्त के हाथ में खंजर है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका भी दर्शन करने से उनकी पुण्यति दूर हो जाती। अच्छा। है। अच्छा। इस महाशिवरात्रि के पर्व पे श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए कंट्रोल करने के लिए उनके नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है? यहाँ सब पब्लिक का भी ऐसा है कि आपको कोई भी की जरूरत नहीं है। सब श्रद्धा से पूजा पाठ अभिषेक हर एक आदमी करके जाता है।